600 साल बाद क्या पीएम मोदी बदलेंगे इतिहास? 1300 साल पुराने काम को क्या पीएम मोदी करेंगे पूरा? 1300 साल बाद क्या देश में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूसीसी पर मदनी की धमकी और चक्रपाणी महाराज की भविष्यवाणी, देखे सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। 1300 साल बाद भारत के इतिहास में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो अब तक नहीं हुआ। सीना ठोक कर बोलने वाले मौलाना अरशद मदनी ये कहते हैं कि इन 1300 सालों में किसी भी सरकार ने मुस्लिम पर्सनल लॉ को नहीं छेड़ा। मुस्लिम पर्सनल लॉ में जीते आए हैं और उसी पर मरना है। लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला है जो बीते 1300 सालों में सच में नहीं हुआ। जी हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहुत जल्द देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं। अब समान नागरिक संहिता पर पीएम मोदी का सियासी दांव बीजेपी को 2024 का लोकसभा चुनाव जिताएगा, ऐसा मानना है राजनीतिक पंडितों का। क्योंकि देखिए, देश में सबके लिए एक कानून लाने की तैयारियों में मोदी सरकार ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। सरकार की तरफ से कॉमन सिविल कोड का मसौदा तैयार हो चुका है और इस मसले पर 22वें विधि आयोग ने आम जनता से, सार्वजनिक स्थानों से और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से सुझाव मांगे हैं और बकायदा 30 दिनों का समय यानी कि 14 जुलाई तक का वक्त दिया है। और जिसके चलते राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। एक और जहां हिंदू धर्म गुरुओं की भविष्यवाणी करने का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है, वहीं मौलाना अरशद मदनी ने इस पर एतराज जताते हुए मोदी सरकार को जमकर कोसा है। मौलाना अरशद मदनी से आप वाकिफ होंगे, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष हैं। कई दफा मोदी सरकार के खिलाफ जहर भी उगल चुके हैं। सार्वजनिक मंच से ओम और अल्लाह को एक बताते हैं, दावा करते हैं कि भारत में सबसे पहले इस्लाम आया, उसके बाद अन्य धर्म। मनु को बहुसंख्यक समाज के पूर्वज बताते हैं भारत के, और खुद के धर्म को सर्वोपरि भी बताते हैं। और अब उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा बयान दिया है। कुछ सांप्रदायिक ताकतें ये समझती हैं कि मुसलमानों के हौसलों को तोड़ दें और उन्हें ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जाए कि वो अपने धर्म पर ना चल सके। पिछले 1300 सालों से देश में किसी भी सरकार ने मुस्लिम पर्सनल लॉ को नहीं छेड़ा है। बदकिस्मती की बात यह है कि मौजूदा सरकार पिछले 8 से 9 साल से मुस्लिम दुश्मनी की बदतरीन मिसाल पेश कर रही है और सब कुछ संविधान का नाम लेकर किया जा रहा है। भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ में जीते आए हैं और इसी पर जीना चाहते हैं, इसी पर मरना चाहते हैं। अब देखिए ना, ज्यादातर मुस्लिम धर्म गुरु यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं, जिसको देश में लागू करके बीजेपी हिंदुत्व को बढ़ावा देना चाहती है। पार्टी के एजेंडे में शामिल इस मसौदे को देखो, कानून रूप देने का काम अब जो कि मोदी सरकार के हाथ में, और इस कारण विपक्षी खेमा खासकर मोदी विरोधी इसका पुरजोर विरोध भी कर रहे हैं। ऐसे में क्या पीएम मोदी अपनी इन कोशिशों में कामयाब हो पाएंगे, इसको लेकर खासकर अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष यानी कि स्वामी चक्रपाणी महाराज की भविष्यवाणी क्या कहती है, आप भी सुनिए। समान नागरिक संहिता देश में बिल्कुल लागू होना चाहिए, इससे कई विषमता दूर होंगे। कोई और हम दो, हमारे दो, सबके दो के सिद्धांत लागू होंगे। एक विवाह, सब एक पति एक पत्नी, सब पे लागू होगा। ये नहीं कि कोई चार कर रहा है और कोई एक इससे दूसरा करे तो जेल जाएगा। तो इसलिए ये समान नागरिक संहिता सबको बराबर का अधिकार देता है, तो इसलिए समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। हाँ, जरूर कुछ कट्टरपंथी इस पे चिल्लाएंगे। तो जब बच्चे को जब इंजेक्शन लगता है, टीके का इंजेक्शन लगता है, तो स्वाभाविक रूप से खूब चिल्लाता है, गला फाड़ता है, वो टीका नहीं लगवाना चाहता। लेकिन फिर भी माँ बाप उसे जानते हैं कि इसके हित में है, उसको जबरदस्ती टीका लगवाते हैं और वो जीवन भर निरोग रहता है। उसी प्रकार कुछ कट्टरपंथी चिल्लाएंगे, रोएंगे, विधवा विलाप करेंगे, लेकिन उनको समाज और सरकार टीका लगाएगी समान नागरिक संहिता का। जैसे राम मंदिर का अयोध्या का बना, दंगे हो जाएंगे कहते थे, कुछ नहीं हुआ। 370 हटा, ये हो जाएंगे, हट जाएगा, तो कुछ नहीं हुआ। और उसमें कांग्रेस जानबूझ करके घी में आग डालने का काम कर रही थी, आग में घी डालने का काम कर रही थी। तो इसलिए यह समान नागरिक संहिता रूपी जो टीका है, यह देश को स्वस्थ बनाने का टीका है,
देश के नागरिकों को सबको बराबर अधिकार देने का टीका है और ये टीका लगेगा और निश्चित रूप से लगेगा, तभी देश हमारा मजबूत होगा। समान नागरिक संहिता आज के डेट में जितना देश के लिए जरूरी है, यकीन कीजिए उतना ही बीजेपी के लिए भी, क्योंकि जनसंघ के जमाने से बीजेपी के लिए ये मुद्दा हमेशा सबसे बड़ा रहा है। मोदी सरकार की सत्ता में इस मसले को बीते 9 सालों से जोर शोर से उठाया जा रहा है। लोकतंत्र के मंदिर से अब ऐतिहासिक फैसले लेने वाली मोदी सरकार का अगला फैसला यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हो सकता है, क्योंकि देखिए अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में यूसीसी पर ही बीजेपी अपनी सियासी पिच फिलहाल तैयार कर रही है। हालांकि देखिए इस बार राह बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि एक पंथ निरपेक्ष कानून के खिलाफ कई लोगों की आवाज अभी से बहुत बुलंद है। अब सवाल ये उठता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिस पर एक लंबे समय से बवाल मचा हुआ है, आखिर ये है क्या और क्यों एक धर्म विशेष के कुछ लोगों को इससे सबसे ज्यादा आपत्ति है। अब ये समझ लीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, जिसका मतलब ये होता है कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होता है। जी हाँ, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो या फिर किसी भी जाति का हो, जितने भी मसले होते हैं, खासकर मसला शादी का हो, तलाक का हो, गोद लेने की प्रक्रिया हो या फिर संपत्ति बंटवारे की, इन तमाम मसलों पर एक कानून लागू होगा जिसे कहते हैं पंथ निरपेक्ष कानून यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। और अभी तक देखिए अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद ये तमाम पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे। फिलहाल मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का अपना पर्सनल लॉ है, ये अपने कानून से चलते हैं। जबकि देखिए हिंदू सिविल कोड के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध ये लोग आते हैं। तो इस कानून के तहत देखिए महिलाओं और पुरुषों को भी एक समान अधिकार मिलेगा। लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव बिल्कुल नहीं होगा। जो लोग देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सवाल उठाते हैं, उनसे हम सिर्फ एक सवाल पूछेंगे कि जब देश एक है तो फिर कानून एक क्यों नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में ये सिर्फ हमारी राय तो है ही जो है, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की और मुसलमानों की, उसके साथ हमारी राय ये भी है कि ये मिली जुली तहजीब का मुल्क है और सदियों पुराना मुल्क है। यहाँ लोग अपनी तहजीब, अपने कल्चर, अपने मज़हब की आज़ादी के साथ सदियों से ज़िंदगी यहाँ बसर करते हैं और वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अगर हमने कॉमन सिविल कोड के निफाज के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की तो हमारा जो समाजी ढांचा है, हमारा जो समाजी खाका है इस मुल्क का सदियों पुराना, मुख्तलिफ तहजीबों और मुख्तलिफ मजाहिब का, उसको नुकसान पहुंचने का ख़तरा रहता है। इसलिए हम लोग हमेशा कॉमन सिविल कोड का विरोध करते हैं, उसके अगेंस्ट रहते हैं, ताकि इस मुल्क में जितनी भी इकाइयां रहती हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और जितनी तहजीबों और रिवायात के लोग हैं, वो इस मुल्क में सदियों से जिस तरह अपने मज़हब, अपनी रिवायात के साथ ज़िंदगी गुजारते चले आए हैं, उस तरह यहाँ ज़िंदगी गुजारें। किसी भी किस्म का ऐसा कानून जो उनको उनके मज़हब की आज़ादी में रुकावट पैदा करेगा, अपनी तहजीबी और सकाफती आज़ादी में रुकावट पैदा करेगा, वो नुकसानदेह होगा।